अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नान बनाने की रेसिपी। और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम पैसों में। हम मार्केट में जाते हैं तो जितने पैसों में दो नान खरीद के लाएंगे उतने पैसों ही में ही मैं छह नान बनाना बताऊंगी आपको। और अब आप सोच रही होंगी कि काफ़ी टाइम लग जाएगा नान बनाने में, तो बिल्कुल भी नहीं, बस 15 मिनट में ही सारे नान तैयार हो जाएंगे। और 2 मिनट भी नहीं लगते हैं एक नान को पकने में, यानी कि सीखने में। और देख सकती हैं आप कितने अच्छे सीखे हैं, पीछे से भी देख सकती हैं कि देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए एक बॉल में लेंगे 2 कप मैदा, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक इसमें डालेंगे हम, और 2 छोटे चम्मच डालेंगे तेल। और आधा कप डालेंगे इसमें दही। बस आधा ही कप लेना है हमें। आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इसे मिक्स करेंगे। देखिए कुछ ज़रूरी बातें जो नान बनाने में ध्यान रखना चाहिए है, बस और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। देखिए सबसे ज़रूरी बात, जो नान का आटा होता है उसको गूंदने के लिए जो पानी लेना होता है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, हम गूंद लेंगे इसे। हमें देखिए सख्त डो नहीं बनाना है, बस जिस तरह से चपाती का गूंदते हैं ना उसी तरह से गूंदना है। ये देखिए, अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे और इसे ढककर रख देंगे। बस हम ज्यादा देर नहीं रख, 15 से 20 मिनट तक के ढककर रखेंगे। बस 15 मिनट हो गए, देखिए अब एक बार इसे फिर से इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए मैंने ले लिया है हरा धनिया, तिल है और ये पानी है। अब आप कलौंजी भी यूज़ कर सकती हैं तिल की जगह पर। अब अगर आपके पास तिल और कलौंजी कुछ भी नहीं है तो आप सादा भी बना सकती हैं, खाली हरा धनिया डाल दीजिए इसमें से लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा छोटा पेड़ा मल लीजिएगा और बेल लेंगे। और एक बात और कि इधर बेलना शुरू किए उससे पहले ही तवा चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत तेज तवा चाहिए गरम। शेप आप देखिए कोई सा भी दे सकती हैं, लेकिन नान का जो शेप होता है वो इसी तरह से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को यही शेप में। देखिए मैंने इस तरह से बेला है। अब इस पे धनिया के पत्ते डाल देंगे थोड़े से, थोड़े से तिल डालेंगे, फिर से इसे बेल लेंगे ताकि ये सब चिपक जाए एक दूसरे में। और इसे पतला मत कीजिएगा बहुत ज्यादा, थोड़ा मोटा ही रखिएगा इस तरह से, ये देखिए। और देखिए सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि जब आप इसे उठाइएगा तो इसके ऊपर जो पानी लगाइएगा बहुत अच्छे से लगाइएगा, पानी लगाने में कोई कमी ना कीजिएगा, वरना नान जो है वो छूट जाएगा तवे से। तो अच्छे से पानी लगा लीजिएगा और फिर डाल दीजिएगा इसे तवे पे। देखिए बहुत पुराना तवा है जो मैं यूज़ नहीं करती थी, काफ़ी टाइम से
रखा हुआ था। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगते इसे डालते हो फूलने में, बस जैसे ही इधर से हो जाए तवे को पलट लीजिए और दूसरी तरफ से भी इसे सेक लीजिएगा। देखिए सेक लेते हैं, गैस को ऑफ कर दिया मैंने। ये देखिए कितना अच्छा बना है। बस इसी टाइम पर मैं इस पर थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। ये देखिए रेडी है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए फटाफट बन के तैयार हो जाता, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए बस इस तरह से बेलना है। बस इस पे डालेंगे थोड़े से धनिया पत्ती, थोड़े से तिल डालेंगे। तिल ना हो तो कलौंजी डाल सकती हैं, मैं दोनों चीजें डाल रही हूँ इस टाइम पे। तो आधा ही बेलने पे मैं दोनों चीजें डालना है, फिर पूरा बेलेंगे ताकि चीजें भी जो है वो अच्छे से चिपक जाए इसमें। जितना बड़ा साइज रखना चाहती हैं आप अपने हिसाब से रखिए, जो शेप रखना चाहती हैं वो शेप रखिए, गोल रखना चाहती है गोल रखिए, जैसा रखना चाहती हैं वैसा रखिए। ये देखिए अब इसे उठा लेंगे, बहुत ही आसानी से उठ जाता है। इसके पीछे लगाएंगे पानी। फिर कहूंगी पानी खूब अच्छे से लगाइएगा ताकि ये चिपक जाए, वरना बीच में ये छूट जाएगा। अब इसे डाल देंगे तवे पे। देखिए तवे पे डालते ही कितनी जल्दी फूलना शुरू हो जाता है, बस 2 मिनट भी नहीं लगते इसे फूलते हुए। ये देखिए आप कैसे ये फूलने लग रहा है। बस इधर ये फूल जाए तो अब आप इसे तवे को उठाइए और इसे इस तरह से पूरे पे गैस की फ्लेम को तेज करके सेक लिएगा। ये देखिए आपको दिखा दूं मैं, बस थोड़ी देर में दूसरी तरफ से भी सिक जाता है। देख सकती हैं आप कितना खूबसूरत।